द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। भारतीय जनता पार्टी कितना ही कह ले कि उसमें सरफटवल नहीं है, गुटबाजी नहीं है, उनके नेताओं में संतोष नहीं है, लेकिन बार बार जो घटनाक्रम हो रहा है तो साफ दिखता है कि बीजेपी में जम के गुटबाजी है, भारतीय जनता पार्टी में जम के नेताओं में संतोष है और सरफटवल के हालात बने हुए हैं। आखिर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, ये आप भी जानते हैं कि तीन राज्यों में जहां बीजेपी ने चुनाव जीता है, कैसे भी जीता हो चुनाव जीता है, लेकिन उन तीनों राज्यों में अभी तक सरकार बनाने में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से असफल हुई है। 3 तारीख को चुनाव के परिणाम आ गए और आज अगर आप देखें 8 तारीख भी पूरी हो चुकी है, 5 दिनों में भी बीजेपी कोई भी मुख्यमंत्री की घोषणा नहीं कर पाई है। और राजस्थान में अब धीरे धीरे जो पॉलिटिकल पंडित्स हैं उनका कहना है कि बड़ा खेला होने वाला है और बड़ा खेला हो सकता है। कैसे बसंत राजे जी का लोग कह रहे हैं कि वो किसी हाल में झुकने को तैयार नहीं है और उनकी दावेदारी जो मुख्यमंत्री पद के लिए है वो सबसे मजबूत मानी जाती है अगर विधायकों के संख्या बल के हिसाब से बात करें। अब गोदी मीडिया को कोई तकलीफ नहीं हो रही है, गोदी मीडिया चीख चीख के रोना मचाए हुई होती अगर कांग्रेस की सरकारें बनी होती यहां पर और मुख्यमंत्री घोषित करने में देर हो रही होती। पिछली बार ऐसा ही हो रहा था और मुझे अच्छे से याद है 2018 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आरोप लग रहे थे जब कांग्रेस जीती थी और गोदी मीडिया रात दिन चला रही थी। अब यहीं पर लोगों का कहना है कि वसुंधरा राजे जी को अगर मुख्यमंत्री बीजेपी नहीं बनाती है तो क्या ये संभावनाएं प्रबल होती जा रही हैं कि वो कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री बन जाएंगी? क्या विधायकों के इस गेम में जिसका एक खेल रचा था बीजेपी ने मध्य प्रदेश और कर्नाटक में, उसी खेल का शिकार भाजपा होने जा रही है राजस्थान में? क्या कांग्रेस की सरकार ने वसुंधरा राजे जी मुख्यमंत्री बन सकती हैं, उसकी शपथ ले सकती हैं? क्योंकि अनुमान लगाया जा रहा है कि 50-55 तो विधायक जो है वसुंधरा जी के पास हैं। ऐसे में 10-12 जो अन्य विधायक हैं वो अशोक गहलोत जी के संपर्क में हैं, ये भी सब मानते हैं, ये भी सब कहते हैं बीजेपी के नहीं हैं, और खुद कांग्रेस के विधायक जो है उसकी संख्या अगर मिला ली जाए तो ऐसे में रास्ता साफ हो जाता है बीजेपी के साथ खेला होने का। इंडिया गठबंधन करके एक फैन पेज है, उन्होंने लिखा है कि कांग्रेस, जिसमें 9,500 लाइक्स भी हुए हैं, कांग्रेस के समर्थन से वसुंधरा जी बन सकती हैं मुख्यमंत्री, गुप्त सूत्रों से खबर, चर्चा लगातार जारी है। ये सारे कयास जो है इनको बल इसलिए मिलने लगा है कि किसी भी हाल में किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को घोषित करने में बीजेपी नाकाम हो रही है। पर्यवेक्षक बना दिए हैं कल सुबह, लेकिन उसके बावजूद भी कोई आसान रास्ता बीजेपी का दिख नहीं रहा है। लोग पहले से कहते थे तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनी है, मुख्यमंत्री घोषित भी हो गए, मुख्यमंत्री ने शपथ भी ले ली, और अब बीजेपी की जो है हालत खराब है कि 7 में सरकार बनाई उसी वक्त लेकिन मुख्यमंत्री घोषित नहीं हो पा रहा है। वसुंधरा जी के समर्थक विधायक जो थे वो इससे पहले कई बार बयानबाजी कर चुके हैं और महत्वपूर्ण जो राजस्थान के बीजेपी के उनके समर्थक नेता हैं वो बहुत कुछ कह चुके हैं। ऐसे में आलाकमान का खामोश रहना बीजेपी का साफ बता रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं है। लालू प्रसाद यादव एक पैरोडी पेज चलाता है कोई उनके नाम से, उसमें लिखा है प्रिय साथियों, एक महिला के खिलाफ पूरी भाजपा, आरएसएस और पुरुष प्रधान सत्ता लगी हुई है, इसलिए आप सब से अपील है राजमाता वसुंधरा राजे सिंधिया को समर्थन करें, राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ही बननी चाहिए, बस हम लोगों के समर्थन की जरूरत है। उन्होंने एक और ट्वीट किया, राजस्थान में वसुंधरा राजे ही मुख्यमंत्री बनेंगी, चाहे इसके लिए भाजपा के 2 टुकड़े ही क्यों ना करना पड़े, राजमाता वसुंधरा राजे के अलावा कोई कबूल नहीं, मेरा पूर्ण समर्थन है वसुंधरा राजे के साथ। राजीव ध्यानी एक अच्छा सटायर के जॉनर में अपना वो काम करते हैं, आर्टिस्ट हैं और मजाकिया वीडियो बनाते हैं। उन्होंने ट्वीट किया है कि अगर बीजेपी वसुंधरा राजे को सीएम नहीं बनाती तो कांग्रेस को सीरियसली कुछ सोचना चाहिए, आखिरकार वसुंधरा भी हैं तो सिंधिया ही। तो ये बहुत गहरी बात है जो उन्होंने लिखी है। और देश के बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं पुण्य प्रसून वाजपेयी जी ने लिखा है कि दिल्ली संभल कर चले, वसुंधरा का जादू शिवराज का कमल कहीं खेला ना कर दें। बीजेपी पीढ़ी परिवर्तन की तरफ इशारा करके एक पूरी की पूरी पीढ़ी में जो भी कॉम्पिटिटर ऊपर दिल्ली में हो सकते हैं उनको राजनीतिक तौर पर निपटाने में लगी हुई है, ये सबको साफ दिख रहा है। लेकिन ऐसी इस परिस्थितियों में बीजेपी के जो करीबी हैं उनका ये भी कहना है कि कहीं बीजेपी कुछ बहुत बड़ा नुकसान न कर बैठे, क्योंकि ये शायद मध्य प्रदेश और राजस्थान जो प्रदेश हैं, जो राज्य हैं, वो बीजेपी अगर उत्तराखंड और गुजरात समझ रही है तो वो बहुत बड़ी गलती कर रही है। लेकिन आप सोचिए कि बीजेपी की गुटबाजी जो है वो किस स्तर की है,
और कैसे सामने आ चुकी है, ये सबके सामने है, हालात सबके सामने हैं, कितने बद से बदतर होते जा रहे हैं भाजपा के लिए। लेकिन एक लफ्ज भी गोदी मीडिया पूछ ले, 2018 में जब कांग्रेस की सरकारें तीनों राज्यों के अंदर बनी थी, जैसे इस बार बीजेपी की बनी है, तो गोदी मीडिया ने नाक में दम कर दिया था। रात दिन इसी में लगे थे कि राहुल गांधी तय नहीं कर पा रहा है मुख्यमंत्री कौन होगा, बीजेपी कांग्रेस की गुटबाजी चरम सीमा पर है। वो सारे के सारे, अगर आप 2018 के न्यूज वीडियोस देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि दलाली की क्या इंतहा है और किस स्तर पे गोदी मीडिया बनने का काम किया। सब खामोश है, न छत्तीसगढ़ को लेके सवाल है, न राजस्थान को लेके सवाल है, न मध्य प्रदेश को लेके सवाल है। बीजेपी की गुटबाजी इस कदर की है कि मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं हो रहा, पर कोई एक लफ्ज नहीं कहने को तैयार। वसुंधरा जी के बेटे के ऊपर आरोप लगा चुके हैं वहाँ एक विधायक के पिता, के बाड़े बंदी का काम कर रहे हैं, होटलों के अंदर बंद किया जा रहा है। दैनिक भास्कर ने लिखा अभी ब्रेकिंग, वसुंधरा के बेटे दुष्यंत पर विधायकों के बाड़ा बंदी का आरोप। एमएलए ललित मीणा के पिता बोले उन्होंने बेटे को होटल भेजा लेने गया तो रोक दिया। NDTV ने लिखा है कि राजस्थान मुख्यमंत्री के नाम पर सस्पेंस के बीच बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिली वसुंधरा राजे। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, और एक भाजपा समर्थक पत्रकार जहाँ तक मुझे लग रहा है कोई जितेश जेठनदानी जी, उन्होंने लिखा कि अशोक गहलोत के करीबी कांग्रेस नेता सुरेश चौधरी का रिजॉर्ट है अपोलो राजस्थान, वहीं रुके थे कुछ विधायक वसुंधरा राजे खेमे के। ये भी उसी तरफ इशारा कर रहे हैं जिस तरफ इससे पहले इशारा हो रहा था। क्या बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है? क्या वाकई में कांग्रेस राजस्थान हारने के बाद भी जीतने वाली है? ये बड़े सवाल हर किसी के मन में है, जो शायद कुछ दिनों में स्पष्ट भी हो जाए। ये जितेश जी को बहुत तकलीफ हो रही है, और देखिए आप महारानी के खिलाफ कैसे मोर्चा शुरू कर दिया गया है। पिछली महारानी सरकार का मुस्लिम प्रेम देखिए, वसुंधरा जी को लेकर अब ये मोर्चा खोला हुआ है एक बीजेपी का अनऑफिशियल विंग है। पाकिस्तानी के धर्म गुरु पीर ताज हुसैन गिलानी को 2015 फरवरी में बाड़मेर जैसलमेर का वीज़ा दिलवाया, जिसे सिंधी मुसलमान मैडम के पक्ष में आ गए, और पीर ताज हुसैन जिलानी ने वसुंधरा जी के पक्ष में मंचों से भाषण दिए। फरवरी 2015 में राजस्थान में सबसे बड़े बीफ निर्यात तक मोइन खान कुरैशी को लाभ पहुंचाने के लिए 26 अत्याधुनिक कत्लखाने खुलवाने की बिड करवाने की कोशिश की, जिसमें पहली बार राजस्थान में भैंस काटने की अनुमति दी जा रही थी, उसकी आड़ में गौहत्या का बड़ा षड्यंत्र रचा जाता। ये सारी चीज़ें बहुत सी लिखी हैं उन्होंने। तो आपको साफ समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का एक समर्थक विंग जो है वसुंधरा राजे जी के खिलाफ अब बहुत ज़्यादा वोकल होना शुरू हो चुका है, दुष्प्रचार में लग चुका है। तो क्या वाकई में वसुंधरा जी कांग्रेस के समर्थन से मुख्यमंत्री बनने वाली हैं? ये बड़ा सवाल है, तो शायद गोदी मीडिया को पूछना चाहिए, पर कोई पूछने को तैयार नहीं। इस वीडियो को आगे ज़रूर बढ़ाइएगा और लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।